3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड के बाद विवादों में घिरे केंद्र सरकार के मंत्री अजय मिश्र शुक्रवार को लखनऊ के भाजपाई मंच पर पूरे रुतबे में दिखाई दिए। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा के दौरान अजय मिश्र भी इसी मंच पर मौजूद रहे। मंच पर उनके साथ बीजेपी के तमाम नेता, खुद सीएम योगी भी थे। इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ललितपुर में किसानों से मिलने के बाद प्रियंका गांधी ने सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार की शाम अपने ट्वीट में लिखा, यहां पूरे बुंदेलखंड में किसान खाद के लिए लाइन में लगे जान दे रहे हैं। वहां लखीमपुर में एक मंत्री पुत्र कई किसानों को जीप से कुचल देता है और उसका पिता गृह मंत्री के साथ लखनऊ के मंच पर खड़ा है। देश का किसान आपके घमंड को देख रहा है। प्रियंका इस ट्वीट से कुछ वक्त पहले लखीमपुर खीरी में किसानों के परिवार से मिल चुकी थी। आज ललितपुर का दौरा था। ललितपुर के दौरे के बीच ही प्रियंका ने ट्वीट किया तो बीजेपी की तमाम मशीनरी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। शुक्रवार को ही ललितपुर में किसानों के परिवार से मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से कई सवाल पूछे। ये भी कहा कि जो लोग किसानों के मुद्दे पर सरकार का विरोध करते हैं उन पर जीप चढ़ा दी जाती है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीजों से कुचला जा रहा है। जिस लखीमपुर खीरी कांड को लेकर बीजेपी बैकफुट पर थी, आज उसके चलते विवादों में रहे मंत्री अमित शाह के मंच पर थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश आपका घमंड देख रहा है। सपा बसपा बसपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके। लखनऊ की रैली में विपक्ष पर बरसते अमित शाह ने ये तक कहा कि पहले की कानून व्यवस्था को देखकर उनका खून खौल जाता था। मेरा तो खून खौल जाता। वहीं ललितपुर में प्रियंका गांधी ने सवाल करते हुए कहा कि मंत्री के पुत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़े। लखनऊ की रैली में अमित शाह ने ये स्पष्ट किया कि अगर 2022 का चुनाव होगा तो सीएम योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही जनता को वोट दिया जाएगा। लेकिन प्रियंका गांधी की कोशिश है कि प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े हों, सरकार का रास्ता मुश्किल हो, चुनाव इतना आसान भी ना हो।